Good morning, class 5, and welcome to your online mathematics classes. You all know that we are discussing chapter number 7, that is Percent Integer, in which lastly we have talked about the conversion of decimal to percentage or percentage to decimal. Here, today we will discuss about the how to find the percentage of a given number, a specific number or whole number. कैसे किसी गिवन नंबर का है, जैसे एग्जैक्ट एक नंबर हो 100, 250, 10, 60, 500, 1000, उसका कुछ स्मॉल परसेंटेज अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बोले तो जैसे मैंने मॉल की बात की थी स्टार्टिंग में ना, कि किसी मॉल में आप जाते हो परचेसिंग के लिए तो वहाँ पे कभी कभी क्या ऑफर चलता है ना, कि अगर आप किसी सिलेक्टेड आइटम्स को खरीदते हो तो उसमें क्या है 25% ऑफ है, किसी भी 50% ऑफ लिखा रहता है। तो 50% या 25% ऑफ का मतलब मैंने बताया था, ये नहीं होता कि 50 रुपीज़ ऑफ होगा या 25 रुपीज़ ऑफ होगा। सपोज दैट अगर वो मान लीजिए एक शर्ट परचेज कर रहे हैं आप, ठीक है, उस पर टैग लगा दिया 25% इज ऑफ ऑन दिस सिलेक्टेड शर्ट, तो अगर वो शर्ट 500 की है तो उस शर्ट पे 25% ऑफ है, इसका मतलब कुछ 25% उसका ऑफ है, ये नहीं कि 25 रुपीज उस पर ऑफ है। तो वो 25% आप कैसे एग्जैक्ट फाइंड आउट करेंगे कितना होगा, ये आज आपको सीखना है, ठीक है। तो नॉर्मल आप लोगों ने मॉल में देखा होगा, वही आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ उससे रिलेट करके। तो चलिए देखते कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखिए फाइंड 25% ऑफ 60, 25% जैसे मैंने कहा 25% शर्ट पे ऑफ है, शर्ट कितने की थी 500 की, यहाँ मान लीजिए इसको हम 500 ही कर देते हैं, आप और अच्छे से इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। 25% ऑफ और यानी 25% ऑफ है किसपे, एक शर्ट पे, यानी आपको 25% ऑफ शर्ट का कितना 500 शर्ट का दाम है, यानी 500 का आपको 25% निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो 25% है इसको इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, ये मैंने बताया था। फर्स्ट स्टेप में हम इसको क्या कर देंगे, एज इट इज लिख देंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए 25 टाइम 100 है, ऑफ की जगह इसको हम क्या कर देंगे 500 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ऑफ की जगह इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए दो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो रहा है, आप इसको इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 जीरो से जीरो कैंसिल, या इसको हम क्या है तो 25 बाय कितना है 100 × 500, है ना। तो 25 × 5 = 100 होता है, अब 4 से हम इसको क्या करेंगे 500 को डिवाइड कर देंगे जो भी कुछ आएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, या एक डायरेक्ट और तरीका है 25 × 100 × 500, 100 × 100 = 500, है ना, देखिए 100 × 100 = 500, जो टोटल आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखिए अगर यहां से हम देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यहां कितना बचा 5, 25 × 5 = 125, है ना, कितना आया 125। यहां से अगर देख लीजिए आप, अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना है 5 है, यानी 4 × 1 = 4, है ना, यहां पे कितना आया 4 × 2 = 8 × 4 = 20, 125। यहाँ पे भी देख लीजिए आप कितना आएगा 100 × 5 = 125, है ना। तो इस तीनों तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर क्या आएगा 125। तो जो 25% शर्ट पे ऑफ था, द अमाउंट व्हिच वाज ऑफ ऑन शर्ट, वो 25 रुपए है, कितना है 125 रुपए होगा 500 का। अब ये मत सोचिएगा 50 रुपीज कहीं टैग लगा तो वहां 125 रुपए ऑफ होंगे, नहीं, उसके साथ वो अमाउंट भी देखिएगा, अगर 500 होगा तभी 125 रुपए ऑफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे देख लिया है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस परसेंटेज के नीचे हम डेसिमल सॉरी डिनोमिनेटर में 100 ऐड कर सकते हैं, सेकंड स्टेप में ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तीन तरीकों से जो भी आपको ईजी लगे वो तरीका देख लीजिए, उसके बाद जो आंसर आएगा फाइनल उतना क्या होगा। तो इस तरीके से किसी भी गिवन होल नंबर का या किसी भी स्पेसिफिक नंबर का हम क्या करते हैं परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, इसको एक बार लिख लीजिए आप, मैं कुछ और एग्जांपल बता देता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा।
Now let's see the some another question based on that. Here we have to find 6% of 400. First step क्या है आपको बताया है मैंने. Percentage की जगह हम यहाँ 100 लिख सकते हैं of 400. Second step में हम क्या करेंगे बेटा? तो 6/100 है into हम क्या कर लेंगे 400 यानी इस और की जगह into कर देंगे. यहाँ देखिए 100 1 100 100 4 400. तो जो आपका आंसर आ जाएगा 6 4 24 कितना ऑफ होगा इसके 24 इसका आंसर आएगा यानी 6% ऑफ 400 कितना होगा 24 होगा. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. 85% ऑफ 1200 है ना यानी 85% ऑफ थोड़ा लार्ज अमाउंट है तो यानी फर्स्ट स्टेप क्या होगा 85/100 ऑफ कितना है 1200. सेकेंड स्टेप में देखिए क्या है 85/100 into ऑफ की जगह क्या कर देंगे मल्टीप्लाई या इनटू. ठीक है दिस अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 × 100 × 12 आएगा. अब 85 × 12 ऑफ करेंगे तो आपका क्या होगा आंसर होगा. अगर हम 85 × 12 कर लेते हैं इधर रफली देखिए 85 × 12 क्या करेंगे 25 × 10 तो इधर 16 + 1 17 15 5 18 8 या 0 7 5 12 8 1 9 10 यानी आपका जो आंसर आएगा 1020. ठीक है कितना आएगा आंसर आपका 1020 1020 यानी 85% ऑफ 400 कितना हो जाएगा 1020. सो लाइक दिस यू विल फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर. ठीक है आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है ऑन दिस बेस आपको जो कंप्लीट करना है होमवर्क दैट इज एक्सरसाइज 7.3 है आई थिंक. जी बिल्कुल 7.3 ये आपका क्या है होमवर्क है. ठीक है इसको कंप्लीट करिएगा. जो भी क्वेश्चन से करना है कुछ क्वेश्चन मिले तो उन्हें भी कंप्लीट करिएगा आपकी प्रैक्टिस होगी. ठीक है कंप्लीट योर वर्क. सी यू नेक्स्ट टाइम.